रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज करते हुए आज 44 साल पूरे हो गए हैं। शोले बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जो 100 दिनों तक सिल्वर स्क्रीन पर बनी रही। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और अमजद खान लीड रोल में थे। शोले फिल्म इंडस्ट्री की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक है। चलिए जानते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनकहे राज। पहले फिल्म का नाम 1-2-3 और मेजर साहब रखने की बात चल रही थी, लेकिन जब फिल्म आधी से ज्यादा बन गई तब इसका नाम शोले रखा गया। अमजद खान का गब्बर सिंह का किरदार किसी कलम से नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से आया था। गब्बर नाम के एक डकैत जिसकी बोली और व्यवहार को फिल्म में उतार दिया गया। कम ही लोगों को पता है कि निर्देशक रमेश सिप्पी की पहली पसंद अमजद खान नहीं बल्कि डैनी थे। वो काफी समय तक डैनी के डेट्स का इंतजार करते रहे, लेकिन डैनी उन दिनों अन्य फिल्मों में व्यस्त थे, जिसके बाद रमेश सिप्पी ने अमजद खान को ये रोल ऑफर किया। रमेश सिप्पी ने इस फिल्म के लिए विदेश से टेक्नीशियन और स्टंटमैन बुलाए थे। यही लोग सीन कॉनरी अभिनीत जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में काम कर चुके थे। फिल्म में एक खास घोड़े को फिल्माया गया था जिसका नाम था बैंगलोर रॉकेट। फिल्म से जुड़े लोग बताती हैं कि इस घोड़े को लेकर ही कई स्टंट किए गए थे। शायद आप नहीं जानते होंगे, फिल्म शोले में संजीव कुमार ने जो ठाकुर का रोल निभाया था उसे धर्मेंद्र करना चाहती थी। उस समय हेमा मालिनी के प्यार के दीवाने दो एक्टर्स थे, एक तो धर्मेंद्र और दूसरे थे संजीव कुमार। फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी उलझन में पड़ गए। रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि तुम वीरू का रोल निभाते हुए ज्यादा से ज्यादा हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। यदि तुम ठाकुर बनोगे तो मैं संजीव कुमार को वीरू का रोल दे दूंगा। फिल्म में 88 वैष्णो सोनी की रिपोर्ट।